उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं और 10 साल हिटलर का ही समय था, 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। और सवाल ये है कि नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी हटाओ नौकरी पाओ, कि ये संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, आरक्षण बचाने का चुनाव है, अपना अपना सम्मान बचाने का चुनाव है। और अगर हम कहें कि अपनी आजादी बचाने का चुनाव है, तो जिस तरीके से कभी मंथन हुआ था, ये समुद्र मंथन की बात जो हुई है, कभी ये संविधान मंथन का समय है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आचार संहिता तब मैं मानूंगा लागू हो गई जब डीजीपी हट जाएंगे, पुलिस के अधिकारी हट जाएंगे। पहले तो आचार संहिता लगती थी, उसके बाद अक्सर जो अधिकारी बहुत दिनों से जमे रहते थे उनको हटाया जाता था। देखते हैं ये सरकार कितने अधिकारियों को हटाती है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, दिल्ली में 1 लाख, पूरे उत्तर भारत में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। सोचो, जिस देश में 10 साल में 1 लाख किसान आत्महत्या करता हो, जहां पर यह बताया गया हो कि आय दोगुनी हो जाएगी, यहां जितने लोग बैठे हैं सब किसान परिवार के हैं, किसान परिवार पूछ रहे हैं कि उनकी आय दोगुनी कब होगी, और किसान के बेटे ये पूछ रहे हैं उन्हें नौकरी रोजगार कब मिलेगी। जो एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं किसान, क्या सरकार एमएसपी लागू करेगी? समाजवादी ये भरोसा दिलाती है कि 80 हराओ एमएसपी लागू करवाओ और उसका कानूनी अधिकार पाओ। पीडीए का हक और अधिकार छीने इन्होंने। आप बताइए, वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, पीडीए कितना है उसमें? जो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें पीडीए कितना है? और हमारे ये साथी अलग अलग जिले के यहां बैठे हैं। कभी गवर्नर हाउस से ये सवाल उठता था कि कौन पोस्ट हुआ है, कितने पोस्ट हुए हैं। कई जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी पीडीए का अधिकारी कभी पोस्ट नहीं हुआ टॉप पोस्ट में। कई जिले ऐसे हैं जिसमें पीडीए का बड़ी पोस्टिंग पाया ही नहीं। तो ये तो केवल एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि यूनिवर्सिटियों में जो अपॉइंटमेंट हुए 34 में, पीडीए है ही नहीं कहीं, केवल 4 पीडीए।